नमस्कार मित्रों, चरक संहिता में एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा सूत्र है। वो तो मैंने आपको थंबनेल में दिखाई दिया है, कहाँ पर क्या दिया है उसमें सब देख ही लिया है आपने। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आखिर लिखा क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, आपको ये भी देख लिया होगा कि 100 वर्ष तक बिना रोग के जीने का उपाय, और इतना सरल है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब ये है कि इसको आप 100 रुपये महीने खर्च करने पड़ेंगे, महीने के 100 रुपये, और 1 साल तक करना पड़ेगा। 1 साल तक 100 रुपये महीने माने 1200 रुपये आपको अपने जीवन में लगा लेने हैं, और पूरे जीवन की गारंटी ये ले लेता है। इतना बढ़िया सूत्र दिया है। वो क्या दिया है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जरणान्ते अभयामेकाम प्राग भुक्त्वा द्वयविभीतके भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्याम चत्वार्यामलकानि च। इसमें लिखा है कि जरणान्ते अभयाम एकाम। जरणान्ते कहते हैं रात की, जो रात का किया हुआ भोजन जब अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, रात के भोजन को जरा कहते हैं, और उसके अंते माने उसके बाद में जब वो डाइजेशन ख़त्म हो जाए, पूरा पच जाए, इसके बाद का अभयाम एकाम। अभया कहते हैं हरितकी को, एक हरितकी के फल जितना चूर्ण लेना, जितना एक हरितकी में के फल में जितना चूर्ण बनता है उतना आपको ले लेना है, और इसके बाद लेना है कि हाँ भुक्त्वा तु, हाँ प्राग भुक्त्वा द्वय विभीतके, और इसके बाद प्राग माने पहले, भुक्त्वात माने भोजन करने के पहले, द्वय विभीतके आपको भोजन के पहले 2 बहेड़े के फल का चूर्ण लेना है। ये लेना है आपको पानी में, माने उठने के बाद चाय नहीं पीना, कुछ नहीं करना है, एक हरितकी ले लेना है। इसके बाद भोजन करने के बाद 2 फलों जितना, 2 फलों का आप चूर्ण ले लेना है, जिसको हम कहते हैं बहेड़े का। अब इसके बाद आता है भुक्त्वा तु, खा लेने के बाद मधु सर्पिभ्याम, या मधु शहद से, या सर्पी माने गाय के घी से, सर्पी घी को कहते हैं। चत्वार्यमलकानि च, चत्वारी माने 4, आमलक कहते हैं आंवले के फल को, 4 आंवले के फल के चूर्ण को आप या तो आप घी में ले लो, या तो आप ले लो शहद में, तो आपको आगे क्या होगा इसमें प्रयोजयन समामेकाम। इस प्रयोजयन माने इस क्रिया को समाम एकाम, एकाम समाम माने एक, समा कहते हैं वर्ष को, एकाम समाम 1 वर्ष तक लगातार प्रयोजयन इसको करने से, त्रिफलाया रसायनम, त्रिफला के इस रसायन को यदि समाम एकाम प्रयोजन 1 वर्ष तक लगातार यदि किया जाए, तो फिर क्या होता है, जीवित वर्ष शतम, 100 साल तक तो जिंदा रहता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि पूर्णम अजरम आरोग्यम व्याधि रेवचा। पूर्ण माने पूरी 100 वर्ष तक आयु होगी, अजर माने बुढ़ापा रहित होगा, आरोग्यम कोई रोग नहीं होगा और कोई व्याधि नहीं होगी। इस प्रकार से कितना सरल उपाय है, और पूरे जीवन की मतलब जीवन बीमा करने वाला है। तो इस प्रकार से कितना बढ़िया सूत्र है, इसका हम कोई भी पालन कर सकते, बड़े आसानी से पालन कर सकते। यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम निश्चित ही 100 वर्ष तक बिना रोग के जिंदा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।